1000 रुपया पर डे अगर आप इससे मतलब रोज अगर 20 रुपया की 500 ग्लास आपकी निकल जा रही है इजी वे में, तो अगर 10 रुपये का एक गन्ना लेते हो तो एक गन्ने में कम से कम 2.5 ग्लास इसका जूस निकलता है, वो भी जो शीशे की बड़ी वाली ग्लास होती है। अब वो 2.5 ग्लास जूस में आप आइस डाल दिए, उसमें फिर आपने वो सॉल्ट वगैरह डाला, तो वो क्या होता है कि वो फ्लेवर जो होता है डिल्यूट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। 2.5 ग्लास की जगह वो 4 ग्लास हो जाता है, यानी आप 10 रुपये का एक गन्ना खरीद रहे हो और 10-10 रुपये की 4 ग्लास सेल कर दिए, बिल्कुल। तो कितना हुआ मुनाफा आपको सर? नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे व्लॉग्स। जैसे कि दोस्तों अभी गर्मी का सीजन है तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ का रहता है वो है गन्ना का जूस। तो आज की इस वीडियो में गन्ना के जूस की मशीन के बारे में जिक्र करेंगे कि अगर आप इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। मैं आ गया हूं दोस्तों, अभी एड्रेस की बात की जाए तो पटना में आ चुका हूं और हमारे साथ मैम है ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ से। मैम आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका भी बहुत सारा स्वागत है मेरे यूनिट में। अच्छा लगा आपको देख के फिर से आदित्य जी। बिल्कुल, क्या है ना कि लोगों का डिमांड रहता है अभी जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और कुछ नया यूनिक दिखाने का कोशिश रहता है हमारा व्यूअर को, तो आज की इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं ये बताएं। आज अगर किसान भाई बंधु जो भी हैं हमारे या फिर बाकी जो भी दोस्त हैं जो रोजगार खोज रहे हैं उनके लिए ये बहुत छोटी सी मशीन मैं लेके आई हूँ। इस मशीन के मैं बारे में पहले बता दूँ, फिर मैं इसका प्राइस वगैरह के साथ हम लोग चलेंगे। आप ये मशीन देख रहे हो, इसमें आपको यहाँ से आप गन्ना डालते हो जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे गन्ने का रस आता है। ये आप देखो इस तरह का ये है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, उसके बाद वेस्टेज की बात कहे जाए तो? और ये आप इसमें ये नल लगा दिया गया है, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से वेस्टेज जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपका वेस्टेज जो है ये इधर से निकलेगा, तो आप अगर ज़्यादा प्रेशर देके रखोगे इस पर तो एक बार में ही काफ़ी अच्छा वेस्ट मतलब वो पूरा रस उसका निकल जाता है। लेकिन हमको लगता है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स करना ज़्यादा सही रहता है। बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो कौन कर सकता है? सर ये बिजनेस आप हम कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ना इसके लिए जेंट्स स्पेशली ऑपरेटेड करने के लिए ज़रूरत है, ना किसी लेडीज स्पेशली की ज़रूरत है। यह कोई भी 18 साल से ऊपर का बंदा जो कि एक रोजगार खोज रहा है, चाहे वो लेडी हो, गर्ल हो, या फिर मेल हो, फीमेल हो, जो भी आप कहिए, वो इस चीज को कर सकता है। ओके, ये थोड़ा आइडिया बताइए कि कैसे इसको कर सकते हैं, कहाँ पे इसका कर सकते हैं? सर ऐसे तो देखा जाता है तो सुगर कैन का जो मशीन होता है, जूसर मशीन, मतलब गन्ने का जो जूसर मशीन होता है, लोग ठेला पे लेके घूमते हैं, बड़ी वाली मशीन होती है, काफ़ी नॉइज रहता है, हैंडल घुमाना पड़ता है, काफ़ी हार्ड होता है, मेहनत होता है बहुत ज़्यादा। तो वो औरतें या फिर कोई ऐसा मतलब एजुकेटेड अगर कोई पर्सन है और फिलहाल नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल, वो खुद को उसको अगर किसी ने पढ़ लिख लिया थोड़ा सा लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो वो नहीं कर पाता है। बिल्कुल, उसको लगता है कि इस तरह का नौकरी करने से अच्छा है कि मैं अपना कुछ कर लूँ। ओके, जैसे एक छोटे शहरों में मैं बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, छोटे शहरों में कुछ आते हैं कि एक जगह पर इसको स्टेबल करके वहाँ से एक शॉप खोल कर कहने का मतलब बहुत सारी होती है जो उसकी बात करेंगे, तो इस चीज़ का रख कर हम बिजनेस करें। हाँ जी, तो इस तरह से एक एक छोटा सा शॉप टाइप मतलब 5x7 का एक रूम ले लिया आपने, उसको एक शॉप का फेस दे दिया और उसमें आप ये मशीन लगा के रख लेते हो तो आप फ्रेश गन्ने का जूस दे रहे हो। okay. इसके अलावा भी आप बहुत सारी जूस की मशीन होती है, सोडा मशीन है, हमारे पास वो सारी भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। पर फिलहाल इतना बता दें कि अगर इसके साथ आप उसको भी एक स्पेयर में रखना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख रहे हो, तो आपका एक शॉप भी हो जाता है और फ्रेश गन्ने का जूस आप सेल कर रहे हो। तो एक गन्ने का कीमत कितना होता है? 10-15 रुपया। बिल्कुल, जिस बंदे को अगर ये सेटअप लगा के बिजनेस करनी है वो एक पीस दो पीस तो नहीं लेगा, फिर भी हम एक पीस पे चलते हैं। अगर 10 रुपये का एक गन्ना लेते हो तो एक गन्ने में कम से कम 2.5 ग्लास इसका जूस निकलता है, वो भी जो शीशे की बड़ी वाली ग्लास होती है। अब वो 2.5 ग्लास जूस में आप आइस डाल दिए, उसमें फिर आपने वो सॉल्ट वगैरह डाला, तो वो क्या होता है कि वो फ्लेवर जो होता है डिल्यूट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। 2.5 ग्लास की जगह वो 4 ग्लास हो जाता है, यानी आप 10 रुपये का एक गन्ना खरीद रहे हो और 10-10 रुपये की 4 ग्लास सेल कर दिए। बिल्कुल, तो कितना हुआ मुनाफा आपको सर? 40 रुपया। 40 रुपया में आप 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर, मतलब सोच लो कि मेरा 10 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो भी 20 रुपया बच रहा है। हाँ, क्योंकि 10 रुपया आपका गन्ना का कॉस्ट, 10 रुपया आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिल्कुल, फिर भी 20 रुपया बचा। इट मींस डबल का मुनाफा हुआ हमें। डबल का मुनाफा तो है ही इस पे। तो 1000 रुपया पर डे अगर आप इससे मतलब रोज अगर 20 रुपया की 500 ग्लास आपकी निकल जा रही है इजी वे में, बिल्कुल, तो 1000 रुपया हो गया।
ये दोस्तों कहने की चीज़ नहीं है, लेकिन आप जब मार्केट में इस चीज़ को निकालते हो तो आपको पता चलेगा कि गर्मी के हिसाब से कितना सेल बढ़ता है। भले ही 2-3 महीने की रहती है गर्मी, लेकिन सेल इतना ज़्यादा। तो सर ये गन्ने का जूस इतना अच्छा है कि आपको सिर्फ गर्मी का काम नहीं करेगा, बिल्कुल आपको ये लाइफ टाइम एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि गन्ने का जूस सिर्फ गर्मी में लोग नहीं पीते हैं, ठंडी में भी पीते हैं। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा सेल है। हाँ, आपको अगर मार्केट पकड़ना है, जैसे कहा जाता है कि कोई भी काम स्टार्ट करते ही अगर मार्केट पकड़ लेता है तो सेल अच्छा समझ में आता है। बिल्कुल। तो अगर आपको मार्केट पकड़ना है तो रस एकदम रन हो जाइए, मतलब रश में आइए, क्योंकि ये तुरंत ले जाइए और तुरंत मुनाफा कमाइए। बिल्कुल, इसके लिए ज्यादा सेटअप की, ज्यादा टाम झाम की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, बस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस रोड के किनारे कहीं भी इसको सेट कर दीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड बढ़ाने घटाने वाला होता है। ये स्टॉपर है। कितना किलोवाट तक कनेक्शन अगर बात करें मैम तो ये लोड लेता है? सर इसका 1.1 किलोवाट कनेक्शन है, दैट मींस कि एकदम ना के बराबर। आप घर में एक वॉशिंग मशीन अगर यूज करते हो दैट या फिर टीवी यूज करते हो तो उसका भी कनेक्शन इससे ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अब जैसे कि गन्ना के इसमें डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए? सर तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। अगर टेक्नोलॉजी वाली मशीन है सर, मोबाइल आप लेते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता? बिल्कुल आती है। टीवी खरीदते हो, मोबाइल लेते हो, उसमें आता ही है, वॉशिंग मशीन में आएगा ही, लैपी में आएगा ही, इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम है इसलिए हम चीजें यूज करना बंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप जब रेगुलर यूज करते हो दैट मीन्स आप मान लीजिए 25/7 जो हो रहा है उसमें आप 12 घंटा से ज्यादा इसको यूज कर दिए तो हो सकता है 7-8 साल बाद कोई इश्यूज आए। 7-8 साल के बाद अभी अगर बाय द वे अगर इस साल 2 साल के बाद आ जाता है तो इसके लिए आप सर तो उसके लिए क्लाइंट को हमारे जो भी हमारे कस्टमर हैं या फिर जो भी हमारे भाई बंधु है वो आंख बंद करके हम पे फेथ कर ले कि 1 साल तक मशीन में कोई भी इशू आएगी तो उनको नहीं सोचना है। बिल्कुल। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रॉब्लम है, आपको नहीं सोचना है। आपको मशीन चलाने नहीं आ रहा है तो लड़का जाके आपको सिखाएगा, पर ये इतना इजी मशीन है ना कि आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इंस्टॉलेशन की टेंशन ना लें, सर्विसिंग की टेंशन ना लें, आप बस अपना रोजगार शुरू करने के बारे में सोचें। ट्रेनिंग आप देते हैं भी? हाँ जी, ट्रेनिंग भी देते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों ये जो छोटी सी मशीन है ना, कैमरा नज़दीक करके दिखाइए कि ये गन्ने का जूस जो निकालती है ना, ये मशीन है और ये मात्र 55,000 से आप इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है और इस दिन में आप महीने का 30-40,000-50,000 तक लोग कमाते हैं, मतलब डेली का 1,000 रुपये से ऊपर आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर, उस नंबर पे आप कॉल करें और ज़्यादा जानकारी लें। और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी दिया हुआ है कि जहाँ से आप मशीन लेना चाहते हैं उनका एड्रेस भी दिया हुआ है और आप यहाँ पे आकर विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।